अस्सलाम वालेकुम, आज फ्राइडे है और मैं न्यू पोर्ट अथॉरिटी पे हूँ न्यूयॉर्क में। तो फ्राइडे को मैंने घर वालों से कहा था कि मैं आज न्यूयॉर्क का चक्कर लगाऊंगा, तो फिर मैं यहाँ पोर्ट अथॉरिटी पे हूँ और नीचे उतरूंगा और न्यूयॉर्क की तरफ मैनहट्टन में पहुँचूँगा सीधा। अभी आपको बिल्कुल वहाँ लेके चलता हूँ बार रोड की तरफ। बड़ी गेमा गेमी है पोर्ट अथॉरिटी पे, यहाँ पे लोगों का बहुत रश रहता है, यहाँ पे ट्रेन का बस का सबका यहाँ से हो जाता है, इंसान सफ़र कर सकता है। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये अपनी। मेन रोड की तरफ जा रहे हैं और मेन रोड पे मैनहट्टन है, बिल्कुल लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये जो आ रहे हैं ये समझ लो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस ऑफ का टाइम हुआ है। मैं थोड़ा लेट आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस बार मेरा प्रोग्राम था कि नमाज के बाद निकलूँगा मैं न्यूयॉर्क के लिए, ताकि न्यूयॉर्क की रंग बिरंगी और लाइटों से भरपूर ज़िंदगी के बारे में आपको दिखा सकूं और बता सकूं कि न्यूयॉर्क जो है वो रात में किस तरह जगमगाता है और लोग किस तरह एंजॉय करते हैं यहाँ पे। कि नीचे जो जा रहे हैं ये ट्रेन का यहाँ से है, नीचे से ट्रेनें चलती हैं और मैं रोड की तरफ जा रहा हूँ बाहर मैनहट्टन में। सामने जो है मेरे दर गेट से जैसे ही बाहर निकलूँगा तो बहुत बड़ा अखबार जो यहाँ का है न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग आपको नज़र आएगी। देखिए ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क टाइम्स की है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है। और सामने ये बिल गेट्स का, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है सामने बिल गेट्स साहब का। ये भी देख लेंगे कितना ऊंचा है ये, माशाल्लाह। ये अमेरिका का दिल है और ये मैनहट्टन है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन खास जगह। ठंड हवा चल रही है, अच्छा मौसम है, मज़ा आ रहा है। चले मैं आपको आगे ले चलता हूँ। रोशनियों से जगमगाता न्यूयॉर्क मैनहट्टन, ऐसे बिल बोर्ड और साइन बोर्ड पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जैसे यहाँ बनाए हुए हैं। और बुलंद बाला इमारतें सौ सौ डेढ़ डेढ़ सौ फ्लोर की है, मंजिलों की इमारतें हैं, देखने की काबिल है। ये सामने रिगल सिनेमा है, बहुत ही मशहूर रिगल सिनेमा। और इधर AMC जो है ये बहुत बड़ा चैन है सिनेमाओं का, ये AMC सिनेमा का बहुत बड़ा चैन है। यहाँ पे एम्पायर सिनेमा भी यहाँ है, सिनेमा और थिएटरों से तो भरा पड़ा है मैनहट्टन। और इसके बराबर में मैडम टोसो का म्यूजियम भी है, जिसमें जितने भी सेलिब्रिटी है दुनिया की उनकी सबके स्टेचू बना के रखे हुए इन्होंने। इसमें पाकिस्तान, इंडिया और या अमेरिका के और जितने बड़े बड़े लोग हैं उनकी सबकी जो है इन सेलिब्रिटीज के इन्होंने स्टेचू बना के रखे हुए हैं, मैडम टुसो के नाम से है। लोग जोक तक जोक वहाँ जाते हैं, देखते हैं और तस्वीरें बनाते हैं। फिल्म स्टारों की, स्पोर्ट्समैन की, सियासतदानों की और जिन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं उन सब की स्टेचू बनाए हुए इन्होंने। रिगल सिनेमा ये है
फाइव गाइस के नाम से ही रेस्टोरेंट है। अल्टीमेट मूवी एक्सपीरियंस सिनेमा बॉक्स भूषण सिनेमा डिजली लैंड की जो फिल्म लगी है एम्पायर सिनेमा भी इधर एम्पायर सिनेमा ये थिएटर है, ये बराबर में हिल्टन देखे हिल्टन है। अभी शाम स्टार्ट हुई है, 6 बजने वाले हैं और अभी देखिएगा कि जितने भी साइन बोर्ड और बिल बोर्ड की यह भरमार हो जाएगी, ऐसे ऐसे साइन बोर्ड और बिल बोर्ड देखने को मिलेंगे कि आदमी की अकल दंग रह जाती है। यहाँ पे थॉमसन रॉयटर्स का ये बिल्डिंग है, हिल्टन टाइम स्क्वायर हिल्टन है। और मैडम टुसो के ये है म्यूजियम, ये गिफ्ट शॉप है। यहाँ पे देखिए यहाँ का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का ये शॉप में देखेंगे, यहाँ से ले सकते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और यहाँ के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर और सियासतदान ये इनका सप्ताह यहाँ देखे सर, अपनी पसंद की जो चाहे गिफ्ट ले लें। यहाँ पर ये अमेरिकन एयरलाइंस थिएटर देखिए लाइन लगी हुई है थिएटरों की, तो यहाँ पे और पिकनिक यहाँ घुमाने के लिए भी जो है ये फेरी सर्विस है यहाँ पे देखिए। वर्ल्ड बेस्ट फेरी इस पे ये फेरी तो ये घुमाते हैं यहाँ पे पूरा मैराथन। ये मैडम प्रसोड जो है मैंने कहा कि एग्जीबिशन यहाँ पे इनका ये म्यूजियम है और बड़ी बड़ी पर्सनलिटीज जितनी भी है उनके सबके स्टैच्यू और बना के रखे उन्होंने। देखिए लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर ही बहुत जबरदस्त बना के रखा हुआ है। ये बाहर भी लोगों ने ये बना के रखे हैं, यहाँ की जो पर्सनलिटी जितनी भी है बड़ी बड़ी पर्सनलिटी के देखेंगे। ये हैरी पॉटर का यहाँ पे लाइव थिएटर चलता है हैरी पॉटर का, और कई सालों से मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे तो 4 साल हो गए यहाँ पे न्यू जर्सी से, मैं आते रहता हूँ यहाँ न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे। तो ये हैरी पॉटर का देखे इस टाइम टू बिलीव इन मैजिक अगेन, हैरी पॉटर को इतना पसंद करते हैं कि डेली लाइव शो होते हैं। ये किरदार है ना, ये फिल्म नहीं है, बाकायदे किरदार को बोलते ये थिएटर है। इसमें कैरेक्टर सब करते हैं। एम्स्टर्डम ये भी एक सिनेमा है देखिए,
इतना ऊंचे पे भी जा रहा हूँ। कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग हैरी पॉटर की बनाई है, देखिए आप। दिल खुश हो जाता है, दिल करता है कि चले जाके ये लाइव शो देखें हैरी पॉटर का। और यहाँ पे ये लाइन किंग तो इतने सालों से चल रही है, बल्कि ये भी थिएटर है, ये लाइन किंग जो फिल्म नहीं है, यहाँ भी ये कैरेक्टर थिएटर के तौर पे अदाकार इतने सारे परफॉर्मेंस करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होती है। क्या चटुकला रहा है मैराथन न्यूयॉर्क। अभी तो जैसे अभी दोपहर जैसा लग रहा है, 6 बजने वाले हैं, और जैसे ये अंधेरा होने लगेगा तो सारी बिल्डिंगें जगमगाने लगेंगी, सब बिल्डिंगें जो है जगमगाएंगी। इसमें ये यहाँ पे अलादीन का खेल भी चल रहा, देखिए ये अलादीन का खेल भी दिखाया जा रहा है, टिकट ले और ये लाइव शो देखिए अलादीन का। दुआ है कि आप लोगों को भी अल्लाह मौका दे और आप लोग आए और इसे देखिए आपकी आंखों के सामने आपका दिल खुश हो जाएगा कि देखिए अमरीका का दिल कहलाता ही है न्यूयॉर्क मैनहट्टन। चला आगे ले चलता हूँ, पेडेस्ट्रियन जो है देखिए ये रोड पार कर रहे हैं, ये सब रुक गई है। ये जंगल जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसके नीचे ट्रेनें चल रही हैं, इसके नीचे जो है ना ट्रेनें चल रही हैं, एक एक मिनट में ट्रेन आती है और ये सबवे में ट्रेनें चलती हैं, ऊपर रोड है और गाड़ियां चल रही हैं। माशाल्लाह कितना देखे, दिल खुश हो जाता है देखकर। यूएस आर्म फोर्सेस रिक्रूटमेंट स्टेशन, अमेरिका के अंदर अगर आर्मी में भर्ती होना है तो ये सामने इनका रिक्रूटिंग का ऑफिस होगा। जगमग जगमग करती रोशनी है, रोशनियों का शहर जो
तो अभी हमारा कराची कहलाता था, सियासतदानों ने तो अंधेरे में डाल दिया है हमारे कराची को, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और यहाँ की रोशनी देख के कराची याद आता है कि रातें जागती थी वहाँ। अब तो कराची में दहशतगर्दों का और टेररिस्ट का राज है। अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, काम करे। लेकिन कोई कुछ नहीं उदास रहता, चाहे कितना भी इसको लूट लो, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है पाकिस्तान को। और ओवरसीज वाले हम लोग जो है हमेशा जान देने के लिए, माल देने के लिए, सब कुछ देने के लिए तैयार है। देखिए कितना जबरदस्त नजारा। लोग दुनिया से यहाँ आते हैं, विजिटर, टूरिस्ट, अमेरिका से सब लोग यहाँ आते हैं और यहाँ एंजॉय करते हैं। पब्लिक जैसे निकलती है गाड़ियां सब रुक जाती है। आसमान से बातें कर रही है बिल्डिंगें। ये हलाल का स्टॉल है और हमारे ये ब्रदर इजिप्ट से ये इनका ताल्लुक है। ब्रदर, इट इज कन्फर्म दिस इज हलाल, हलाल हाल की फूड इज हलाल। ओके ओके, प्लीज गिव मी वन फॉर $3। ओके थैंक यू। व्हाट इज योर नेम? वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। ये मैंने $3 का लिया है और इनको $10 दिए हैं, ये मुझे चेंज देंगे अभी $7। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, सलाम वालेकुम, सलाम, थैंक यू, थैंक यू। माशाल्लाह किसी जगह में बैठ के
अभी ये खा लूं मैं, ताकि यहाँ तो बहुत रश है। आगे किसी जगह चेयर देखता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है। और ये पैसे जो रिटर्न हुए ये भी मैं जरा जेब में रख लूं। यहाँ बैठ के अब अपना थोड़ा सा खाना खा लिया जाए, जो लाल बर्गर मिल लिए वहाँ से वो थोड़ा सा खा लिया जाए। दो बर्गर लिए थे, एक तो भी रास्ते में खाया और एक अभी और खा लेता हूँ। इसे देखे अपना जिप का था, ये इसे बेच रहा था ये बर्गर। वाह बड़ा टेस्टी जबरदस्त। स्पाइसी भी है और खट्टा भी है और स्पाइसी है, बहुत अच्छा। आप यहाँ होते तो मैं आप लोगों को खिलाता ही, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो ये उतार रहा आपको खिलाऊंगा।